नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम मध्य प्रदेश की चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज में हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की सीट मानी जाती है। फिलहाल कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। इस चुनाव में किसकी हवा है, मामा की सरकार चाहते हैं लोग या फिर कमलनाथ की, आइए किसानों से बात करते हैं। ये खाद की दुकान है और किसानों के लिए खाद बीज भी एक बड़ा मुद्दा है। किसकी सरकार चाहिए पैसा, मामा की या कमलनाथ की? अब यार सरकार, तुम बताऊं तो हमका खाद बीज तो महंगो मिल रहे हो। सरकार तो कमलनाथ की चाहिए, सरकार ने माँ दी किसान की। गाली क्यों दे रहे हो यार, माँ बहन की पर हम तो ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी भी हमारा बहुत समान है और वो भी बहुत समान है। वो ये बीज जो महंगा देता है, बीज महंगा मिलता है और भले मामा जी बन जाए, हमारा पर टेंशन नहीं है। तो किसानों की आय दोगुनी कर दी, मोदी जी दावा करते हैं दोगुनी नहीं हुई आय। अरे वो दोगुनी ठीक नहीं हो जाए, जब भी किसान आप लग रही हो तो सब अच्छा। पैसे भेजते हैं मोदी जी 6,000 रुपए साल के। हेड़ कितना ले पैसा, फसल अम्बक कितनी तोड़ गई बात है, 8,000 रुपए कुंटल। अब 4,000 बिक रही, 4,000 बिक रही है अभी। अच्छा, कौन सी फसल बिक रही है 4,000? ये सोयाबीन बिक रही। सोयाबीन कितनी बिकनी चाहिए? कम से कम करीबन 8,000 मिली तो आपने 6,000-7,000 तो बिक गए। MSP पे नहीं बिक रही? नहीं बिक रही। अच्छा, गला सुखाओ, पानी पियो ठंडा। गला मेरा नहीं सुखा अभी, पानी पियो आपको। ये तो किसान है, कहते रहे कुछ भी। अच्छा, यहाँ से जाते हैं मंडी में पूछना आपको, आराम से ठंडा पानी पियो। अच्छा, आपकी दुकान पे ना पूछे? अरे खूब पूछो, पानी पियो ठंडा। सरकार किसकी चाहिए आपको? बढ़िया सब सरकार। किसान कभी कुछ नहीं है। अच्छा, किसान को संपदा लुटा दे मोदी, जब भी कुछ नहीं है। अच्छा, वोट जरूर मोदी को देगा। अच्छा, दुकान आपकी है? ये हमारी है। अच्छा, तो क्या खास बात लगी मोदी में जो आप कह रहे हो कि मोदी को ही वोट देगा? मोदी में दुनिया की बात है, खास है। अच्छा, मोदी की क्या बात है? वो किसान तो कह रहे हैं मोदी ने ऐसी तैसी कर दी हमारी, गालियां दे रहे थे। सब ऐसे कहते हैं वो। अच्छा, किसान ने कभी कहा किसी को क्या भैया उसने बहुत अच्छा किया? कभी नहीं कहा। किसान खुशहाल कब हुआ है? किसान तो मेहनत करता है और कभी नहीं होगा वो, मोदी लाभ तो दे रहे हो उसको, कुछ भी नहीं होगा। भरत जी का उसको है वरदान है। अच्छा, हाँ, तो सब शोषण करते आए ना किसानों का। हाँ, तो किसान बोले भी ना अब, इसीलिए तो शोषण है ना उनका। अच्छा, तो आपके लिए कहना आसान है, आपकी खाद बीज की बढ़िया दुकान चल रही है। नहीं, नहीं, वो किसान शिकायत भी ना करे अब। हमारे जैसे मोदी ईमानदार है ना, वैसे हम ईमानदार है। अच्छा, मोदी दुकान भी चल रही है। अच्छा, मोदी घराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ हाँ जी, किसकी सरकार चाहिए, कमलनाथ की या मामा की? अरे कोई की चाहिए पर नहीं, बनिया ईमानदार नहीं है, किरे जी। अच्छा, बनिया ईमानदार नहीं है ये। चले, ये बेईमानी कोई कार्यकर्ता नहीं, इनको कार्य उनकी बुराई। अच्छा, कर रहे हैं ये, कह रहे हैं मैं मोदी की तरह ईमानदार हूँ। कोई ईमानदार नहीं, ईमानदारी धंधा का इनका करसा नहीं, ईमानदार ईमानदार है। अच्छा, ये बनिया ईमानदार होते कभी, ये बस तो खाते मुँह पे सुना रहे हो आप। इनसे खाद बीजना चाहिए आपको, खाद बीजना चाहिए इनसे, मुँह पे सुना रहे हो आप। क्या तो हमसे ही खा रहे हैं, अच्छा आपसे ही खा रहे और क्या, और हमारी बुराई करे। और तो क्या क्या शिकायत है सरकार से? सरकार से कहीं शिकायत, सरकार किसान लूट सरकार है कि और कहीं? किसान लूट सरकार है, किसान लूट सरकार है और कुछ सरकार नहीं। वो कह रहे हैं दुकानदार तो कह रहे हैं मोदी जी मेरी तरह ईमानदार है। मोदी जी कैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं, कोई संसार में बनी हुई नहीं आज तक, उसके ही होगी। किसानों की आय दोगुनी नहीं की मोदी जी ने? कहीं कह दोगुनी की, 2,000 रुपया दे जैसे कहीं हो गए। किसान का नून तेल नहीं है, एक कट्टो खाद नहीं है बेचारा। अच्छा, और क्या, खाद बीज महंगा हो गया, सभी चीज महंगी। ये किसान को तो फसल भी सस्ती बिकती है। ये कह रहे हैं किसान तो कभी खुशी नहीं होता। अरे ये तो हमसे 10 रुपया चीज 20 रुपया में बेचते हैं ये तो। अच्छा, और क्या, तो 6,000 रुपए भी देते हैं मोदी जी साल के? उन 6,000 से कहीं हो गए, हमारे 6,000 में तो एक दिन को खर्चे चले। सम्मान निधि दे रहे हैं आपको, सम्मान कर रहे हैं? सम्मान निधि नहीं, हमारे बीमा खा गए सब मोदी। अच्छा, बीमा का पैसा भी नहीं मिला, फसल बीमा का नहीं मिला, कभी नहीं मिल रहे, मुआवजा नहीं मिलता। 7,000 मिले उसके, बीमा हो गए 6,000 तो हमारे कटे साल का। अच्छा, 6,000 कटे, 7,000 मुआवजा मिला फसल का। किसकी सरकार चाहिए भाई, मामा की या कमलनाथ की? वो भाई चाह रही है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की, और क्या, विदेश में डंका बज रहे उनका। अच्छा, विदेश में नहीं, विदेश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान नु कहां पे, 4 बजे चीन नु कहां पे रही है।
अमेरिका समेत झोंक रही है ना। अच्छा हाँ, अच्छा डंका बजने पे वोट कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं डंका, डंका का हिसाब से। विदेश में तक डंका बज रहे हैं ना, नहीं विदेश में। अच्छा हाँ, तो ये कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत कर दी मोदी सरकार ने, विपक्षी कहते हैं। महंगाई तो जाने की है, लेकिन उन्हें कम करना चाहिए, थोड़ी जनता की सुनना चाहिए, तो जनता थोड़ी बहुत उनकी करेगी कुछ कुछ। विदेश में जो डंका बजा तो यहाँ पे रोजगार पैदा हुआ उससे? कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब हो गया क्या, अब होगा, अब कुछ कमियां रहेगी जब भगाएंगे। फायदा क्या हुआ फिर आपके यहाँ, कोई फायदा आया है, कोई फैक्ट्री लगी क्या बड़ी? बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ तो नहीं। डंका बजने से क्या लाभ हुआ आपको? अरे हमें तो है, हम तो खुश है, अयोध्या मंदिर बन गया। अच्छा, अयोध्या मंदिर बन रहा नहीं, उससे खुश है। अच्छा, किसकी सरकार चाहिए, मामा की या कमलनाथ की? कमलनाथ की। मामा से क्या शिकायत है? मामा ने कहीं नहीं दो, मामा कहीं कर रहा है, सब खा गया सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी खा गया सारा, और क्या, सरपंच सेक्रेटरी जो पैसा बैंक रहा है उसको दे रहा है, ये सरकार ही ऐसी है। अच्छा, दलाली चल रही है, ज्यादा चल रही है, 20,000-10,000 दे दो कुटी मिल जाएगी। अच्छा, सेक्रेटरी सरपंच को। अच्छा, घर का रेट 20,000 रिश्वत का है? 20,000 रुपये। अच्छा, और चीज़ का क्या रेट है? सबका तलाव लेना तो 50,000 दे दो तलाव, 2.5-3 लाख रुपए तलाव का मिल जाता है। तलाव मतलब तालाब गांव में? हाँ गांव में। अच्छा, तालाब कुत्ता खेती में। अच्छा, और चल रहा है, भ्रष्टाचारी में दलाली ज़्यादा रहती है ये सरकार में। मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकते, डबल इंजन में कैसे आ गया भ्रष्टाचार? अरे सब आ रहा था पूरा, बहुत जोर से आ रहा है। तो कांग्रेस कर देगी क्या कल्याण आपका? कर देगी, इनने तो पूरे खजाना ही खाली कर दिया, वो भी क्या करेगी, वो भी ऐसे ही चलेगा, खजाना खाली कर दिया मामा ने। और क्या लगाया कि बहन ने दे रहा तो सब दे रहा है, सब लगा कर्ज ले लेके। नहीं, किसकी सरकार चाहिए, मामा की या कमलनाथ की? कमलनाथ की। कमलनाथ की। मामा जी से क्या दिक्कत होगी? अरे दिक्कत है, खूब 18 साल राज कर लो, समझ में नहीं आए हमारे। अरे समझ नहीं आए, एक बार रुक तो जाओ बाबा, आप रुक तो जाओ एक बार। किसान है आप? हाँ। अच्छा, तो किसानों की आए तो मोदी जी कहते हैं डबल कर दी, आप कह रहे हो कमलनाथ की सरकार चाहिए? क्या कर दे, डबल डबल नहीं हुई आए, डबल नहीं हुई, क्या कमी रहेगी? मतलब कमी आ गई, मतलब कमी आ गई, खाद नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, कहीं खाद कहीं जब करे हमारे गोदाम पर माला सो, बनिया अन्ना कमाला सो, लेना लग रही खाद। अच्छा, बनिए कमा रहे हैं खूब, लेना मल लेना लेना लग रही खाद की, जब मल रहे हो खाद उसे नहीं मल रहे हो। अच्छा, खाद नहीं मिल पा रही, दो दो घंटा में ठाड़े रहे मैं लेना में, 4-4 घंटा 5-5। कमाई नहीं बढ़ी आप लोगों की, मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं साल के। अरे नहीं, काम का भला ही, और 6,000 हमसे ले ले लाओ। अच्छा, आपसे ले ले 6,000, और है तो क्यों गुजारा नहीं हो पा रहा किसानी में? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है जी, किसकी सरकार चाहिए भाई साहब, मामा की या कमलनाथ की? अरे मामा की चाहिए भैया, मामा की। और क्या खास बात लगी मामा की सरकार में? चलेंगे। तो ये आपने चाचौड़ा विधानसभा के लोगों की राय सुनी, मध्य प्रदेश के तमाम हलकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, आप देखते रहे पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।